फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द पहाड़ी कपल। तो आपने बहुत से वीडियोस में मार्क टू पिस्टल की डिसमेंटलिंग देखी होगी। आज मैं आपको इसको असेंबल करके दिखाऊंगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू। तो ये है मेरा मार्क टू पिस्टल जिसकी मैंने पहले से ही डिसेंबलिंग कर रखी है। अब मैं इसको असेंबल करके आपको दिखाऊंगा। इसका हर एक पार्ट मैंने निकाल दिया हुआ है, जैसे कि ये है इसकी मैगजीन, ये इसका मज़र है, कुछ इस तरह से दिखता है मज़र, 7.65 mm। ये इसका स्प्रिंग है जिससे पिस्टल काम करता है, और ये इसका ऊपर का हिस्सा, इंडियन ऑर्डनेंस फैक्ट्री नई है इसलिए काफ़ी शाइन मार रहा है। ये कुछ बुलेट्स हैं, उसके लिए मैंने कैरी करने के लिए केस ली, ये साफ़ करने के लिए रोड, और ये स्प्रे जिससे कि इसको साफ़ किया जाता है। ये पूरा जितना भी है डिसेंबल करके मैंने रखा हुआ है, आपको एक एक पार्ट आराम से दिख रहा होगा। ये इसकी मैगजीन है जो कि यहाँ इंस्टॉल हो गई है, ये हो चुकी है इंस्टॉल। ये ऊपर का पार्ट पहले इंस्टॉल किया जाएगा, काफ़ी इजी टू इंस्टॉल है ये मार्क टू पिस्टल इंडियन ऑर्डनेंस फैक्ट्री की। इसमें एक मज़र लगाएंगे हम इसका, इसमें थोड़ी सी टेक्निक लगेगी, थोड़ा सा टाइम लगता होगा क्योंकि मज़र इजीली फिट नहीं होता है बीच में, काफ़ी मशक्क़त के बाद ये फिट होगा। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा के इसको सेट करना पड़ता है इसके बिल्कुल बीच में, ताकि जो बीच में गैप है उसमें ये परफेक्टली फिट हो सके। काफ़ी टाइम लगने के बाद ये इन द एंड फिट हो गया। अब इसके बाद इसका मेन पार्ट, इसमें अब हम लगाएंगे स्प्रिंग। ये स्प्रिंग है इसका, स्प्रिंग लगाते वक्त भी ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो स्प्रिंग कहीं गिर जाएगा। इसके लिए इसका फ्रंट पार्ट है, और फ्रंट पार्ट को लगाने के लिए छोटा सा मैकेनिज्म दिया हुआ है GSF की तरफ से, ये इसी के वजह से लगेगा। ये इसमें ऐसे थोड़ा सा अटैच होगा और थोड़ा सा हम प्रेस करेंगे तो ये इजीली पिस्टल के मुंह को बंद कर देगा, वो स्प्रिंग इसके अंदर चला जाएगा। तो ये जा चुका है, तो ये परफेक्टली सारी हमारी पिस्टल असेंबल हो चुकी है। अब इसको हम खाली करके देख रहे हैं, देखिए अब मैं आपको इसमें ये बुलेट्स लोड करके दिखाऊंगा और आपको इजीली शो करूंगा कि कैसे ये इससे निकलते हैं बाहर। ये मेरे पास 5 बुलेट्स हैं जो मैं बारी बारी इसमें लोड कर रहा हूँ। तो मेरे 5 बुलेट्स इसमें लोड हो चुके हैं। अब मैं इस मैगजीन को पिस्टन लोड करके दिखाऊंगा, ये इजी टू लोड है। अब ये देखना किस ईजिली ये निकल आएगा, 1, 2, 3, 4, 5। तो मेरे 5 बुलेट इसमें निकल गए हैं, फिर भी सेफ्टी के लिए एक बार मैं वैसे ही ट्राई करूँगा। ये हमारे 5 बुलेट्स जो मैंने इसमें डाले थे वो ईजिली निकल गए हैं, कोई बुलेट बीच में स्टक नहीं किया, इसका मतलब अच्छी वो हो गई है। खाली जगह पर मैंने फायर करके भी देख लिया, एक बार दोबारा से सेम प्रोसीजर मैं रिपीट करके आपको दिखाऊंगा। मेरे 5 बुलेट्स इसमें डालूंगा और 5 ही फिर मैं निकालूंगा।
फिर सेम प्रोसीजर बारी बारी के 1, 2, 3, 4, 5 और ये 5 के 5 निकल गए हैं। ये 5 बुलेट्स सेफ्टी के लिए मैं एक बार ऐसे ही खा ली ऊपर की तरफ साइड पे, क्योंकि आगे कोई नहीं है। मेरे 5 बुलेट्स इनको इनके केस में दोबारा से डाल देता हूँ। अब मैं आपको बताऊंगा कि मुझे बॉक्स में क्या क्या मिला इसमें, ये आपके साइड करता हूँ। पिस्तल के मज़र को निकालने के लिए इसको ढंग से रखते हैं पहले। ये मेरी पिस्टल, स्क्रैच ना लग जाए इसको, इसलिए मैं अभी भी इसको पॉलीथीन के लिफाफे में पैक करके रखता हूँ। ये मेरा मैगज़ीन, इसमें आता नहीं है पर मैं इसी में रखता हूँ। और इसको कैरी करने के लिए केस दिया हुआ है GSF की तरफ से, जो कि काफ़ी शानदार है, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का, और जिससे मैंने इसको साफ़ किया अभी। ये कुछ ब्रश इसके लिए जो साथ नहीं आते हैं, मुझे एक्स्ट्रा दिए थे। ये स्प्रे जिससे मैंने इसको साफ किया, इसको पैक करके साइड पे रख देते हैं। ये 2 चीज़ें इसके सफाई के लिए यूज़ हुई हैं। साथ में मेरे को कैरी करने के लिए केस भी मिला था, इसको मैं आपके साथ ज़रूर शो करूँगा। होल्स्टर बोलते हैं इसको, जो कि बेल्ट में हम लगा सकते हैं। और एक ये मैंने अपने आप परचेज़ किया था बेल्ट के साथ होल्स्टर, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है ये। तो ये था मेरा एक छोटा सा व्लॉग, छोटा सा वीडियो। होप को आपको अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और लाइक और कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।